हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम में, और सच में मैं बताऊँ कि ठंडा जो मौसम है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गर्मी में भी बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ, फ़ैन चलाना पड़ता है। लेकिन ये है कि तब भी ये रहता है कि गर्मी में परेशान तो हूँ, लेकिन कम से कम कपड़े नहीं पहनना पड़ता। अगर शरीर पे वजन से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ रख लो तो बहुत तकलीफ होती है। और स्वेटर वगैरह कितना भी हल्का आप महंगा खरीद रहे हो और स्वेटर पहनते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी शरीर बंधी बंधी सी है। मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। तो आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के द्वारा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लोग बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जो है प्रेस करना आप लोग अक्सर भूल जाते हो, तो आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना। और मैं यहाँ पे आरओ में, मतलब आरओ से पानी बॉटल में भर रही हूँ, क्योंकि मैं, हालांकि आपको बता दूँ कि मैं पानी आरओ का नहीं, आरओ का भी पीती हूँ लेकिन बॉटल का नहीं पीती हूँ। और बच्चों के लिए भर के रख देती हूँ कि कहीं से आ रहे हैं, कोई छत पे रहता है तो कोई यहीं पे रहता है, कहीं से आते हैं बॉटल उठा लेते हैं। लेकिन एक बात मैंने बॉटल का देखा है कि बॉटल का जब पानी मैं पीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके प्लास्टिक ना बॉटल के पानी में घुल गया हो। और जब ये फ्रिज में रहता है तो कुछ साठ हो सकता है ना घुले हो, अगर जैसे धूप में है या नॉर्मली ऐसे ठंडी में रखी है तो अक्सर ऐसा होता है। और मैं क्योंकि बॉटल का पानी पीती नहीं हूँ, मैं गर्मी में घड़े का पानी पीती हूँ, और ठंडी में मैंने पीतल का लोटा रखा है और तांबे का लोटा है उसमें मैं पानी रखती हूँ। और बाई चांस अगर मुझे पीना पड़ जाता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अजीब से लगता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, बच्चे हमारे मान रहे हैं, और इसका हानि भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही हानि। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मेरे राय से आप लोग सहमत हो। अगर सहमत हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। या तो फिर घड़े का पानी पीना चाहिए, या तो फिर तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, या तो फिर फ्रिज का जो पानी ठंडा करते हैं वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पानी से दिक्कत हुआ है फ्रिज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।